बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, चिकन आलू कबाब, बहुत ही मज़ेदार से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 5-6 आलू ले लिए, 3 से 4 चिकन के पीस, ब्रेड क्रम्स, 2 अंडे, 1 सबज़ धनिया, 1 सबज़ मिर्च छोटे छोटे से पीस कर लिए, 1 टिक्का चिकन मसाला, 1 पैन ले लेंगे, उसमें 1 गिलास मैंने पानी ऐड कर लिया। अब चिकन और आलू ऐड कर लेंगे, इसे बॉयल कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आलू और चिकन बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसे मैश कर लेंगे। अब हम इसमें 1 सबज़ धनिया ऐड कर लेंगे, 1 सबज़ मिर्च ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर लेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे कोई सी भी शेप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप गोल करें या लंबा करें या जैसे बनाएं। अच्छे से शेप यहाँ पर हमने दे दी है, आप देख सकते हैं। अब हम एक अंडा ले लेंगे, थोड़ा सा केचप ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम शामी को डिप कर लेंगे ब्रेड क्रम्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम साइड चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हमारे शामी तैयार हो गए हैं, आप फाइनल लुक देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।